गाइस पार्ट 51 की शुरुआत से पहले मैं आपको बिली बिली कॉमिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जहाँ पर बहुत सारी कॉमिक्स हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद की कॉमिक को चुनकर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। मैंने इस साइट पर रिसेंटली एक कल्टीवेशन कॉमिक को पढ़ा था जिसका नाम युआन लॉन्ग है। साथ ही इसे कार्प रिबॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक वैंग सेंग नाम के सोल्जर की कहानी दिखाई गई है, जो हेलीकॉप्टर से कूदते वक्त अचानक से नॉर्मल वर्ल्ड से स्पिरिट वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और एक स्पिरिट पूल में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक ड्रैगन फिश की स्पिरिट आ जाती है। साथ ही उसे उस वर्ल्ड में एक लड़की से प्यार भी हो जाता है, पर उस लड़की को बचाने के चक्कर में वैंग सेंग एक बहुत ही बड़ी फैमिली के लीडर को मार देता है, जिसकी वजह से वो फैमिली वैंग सेंग को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। आगे वैंग सेंग को पता चलता है कि उसकी स्पिरिट एक ऐसी स्पिरिट है जिसका लेवल अपग्रेड नहीं किया जा सकता, पर पता नहीं कैसे वैंग सेंग अपनी स्पिरिट का लेवल अपग्रेड कर पा रहा था, जिसकी वजह से उस दुनिया के सभी लोग ये राज जानने के लिए वैंग सेंग को ढूंढने लगते हैं। तो ये था इस कॉमिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको पूरी स्टोरी जानने के लिए कॉमिक पढ़नी है तो आप वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरी कॉमिक पढ़ सकते हो। तो चलिए अब वन स्टेप के पार्ट 51 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन उस मॉन्ग के बताए रास्ते पर चलते हुए स्वॉर्ड सेंटर पहुंच गया था, जहां उसका सामना लूका से हुआ था, जिसे पॉल ने जिन को मारने के लिए हायर किया था, पर जिन ने अपनी एनर्जी और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लूका को हरा दिया था, जिसके बाद लूका के साथ आए एक एल्डर ने जिन को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे लगा था कि जिन की पावर खत्म हो गई है, पर जिन के पास पावर बची थी, जिससे उसने उस एल्डर के ऊपर स्पिरिट बीम से अटैक कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में जिन के स्पिरिट बीम इस्तेमाल करने की वजह से पहले वाला एल्डर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखकर दूसरा वाला एल्डर कहता है कि लूका से लड़ने के बाद भी जिन दोबारा अपनी मैजिकल पावर कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है। तभी जिन को अपने अंदर वीकनेस महसूस होती है और वो उन लोगों से दूर चला जाता है, जिसके बाद दूसरा वाला एल्डर पहले वाले एल्डर को देखता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो लूका से कहता है कि तुम जिन के पीछे जाओ, क्योंकि तुमने पॉल से जिन को मारने की डील करी थी। इस तरफ जिन बहुत ज्यादा थक चुका था और अपनी पावर दोबारा इस्तेमाल करने की वजह से उसके मुंह से खून भी आ रहा था। तभी जिन अपने मन में सोचता है कि अगर वो गुफा वाली लड़की की चेन्स काटने की कोशिश नहीं करता तो शायद आज वो बच ना पाता, क्योंकि उसी की वजह से जिन की पावर इस्तेमाल करने की टाइमिंग बढ़ गई थी। अब जिन अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ता है, जहां उसे एक जगह स्वॉर्ड डायनेस्टी नाम की जगह दिखती है, जहां पर बहुत सारी तलवारें थी, जिसे देखकर जिन को एक बात याद आती है, जिसमें जेनी ने उसे बताया था कि स्वॉर्ड सेंटर के पास एक स्वॉर्ड डायनेस्टी नाम की जगह है, जिसने पास में बड़े बड़े राजा बनाए थे, लेकिन बाद में उस जगह का कुछ पता नहीं चला और ज्यादातर लोग स्वॉर्ड डायनेस्टी को बस एक मिथ मानते हैं। लेकिन तुम स्वॉर्ड सेंटर जा रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें स्वॉर्ड डायनेस्टी के पास ले जाए। अब ये बात याद आने की वजह से जिन सोचता है कि इस जगह की वजह से बहुत से महान महान लोग पैदा हुए थे, इसलिए मुझे इसके अंदर जाना ही होगा, जिसके बाद जिन स्वॉर्ड डायनेस्टी के अंदर चला जाता है, जहां बहुत सारी तलवारें थी। तभी जिन की नजर चेन से बंधी कुछ तलवारों में से एक पर जाती है, जो जिन को बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए जिन उसकी चेन तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, इसलिए जिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्वॉर्ड को जमीन से निकालने लगता है, जहां ऐसा करते ही उस स्वॉर्ड की चेन गायब हो जाती है। तभी वहां पे एक पोर्टल बन जाता है, जो जिन को अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाद हम पास में चैंग होंग स्वॉर्ड सेक और त्यान जाओ स्वॉर्ड सेक के बीच पे फाइट होते हुए देखते हैं, जहां चैंग होंग स्वॉर्ड सेक हार रहा था, जिसपे त्यान जाओ का लीडर कहता है कि आज मैं इस सेक को हराने के बाद अपने सेक को नंबर वन बनाऊंगा। तभी चैंग होंग सेक का एक घायल सिपाही अपने लीडर और एल्डर से कहता है कि आप दोनों यहाँ से भाग जाओ। ये सुनके एल्डर त्यांग जाओ सेक के लीडर से बोलता है कि तुम तो बहुत ही बेरहम और गंदे हो, क्योंकि तुमने हमारे लीडर के ब्रेक थ्रू करने के टाइम पर जानबूझ के हम पे अटैक कर दिया। उसी वक्त चैंग होंग सेक का लीडर अपनी हार महसूस करने की वजह से त्यान जाओ के लीडर को कहता है कि अगर मैं अपना सेक बंद कर दूं तो क्या तुम इन्हें जाने दोगे, जिस पे त्यान जाओ का लीडर कहता है कि ठीक है, पर तुम्हारे बेटे को तलवार चलाना छोड़ना होगा और तभी मैं इसे जिंदा छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। ये सुन के चैंग होंग के लीडर का बेटा कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे इन क्राइम्स की वजह से हेवन तुम्हें पनिशमेंट दे सकता है, जिस पे त्यान जाओ सेक्ट का लीडर हंसते हुए बोलता है कि मैं तो खुले आसमान के नीचे ही खड़ा हूँ, तो इतना सब करने के बाद भी मुझे हेवन से पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रही। उसी वक्त आसमान में बिजली चमकती है, जिसके बाद उस लीडर के ऊपर जिन की निकाली हुई वही तलवार गिर जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी जिन भी उस लीडर के ऊपर गिर जाता है, जो अपनी तलवार के साथ प्रेजेंट से पास्ट में आ गया था। अब जिन उठकर उन सबसे पूछता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी जिन अपने हाथों पे खून देखता है, जो कि उस लीडर का ही था। ये देखकर जिन बेहोश हो जाता है कि उसने आते ही किसी को मार दिया।
अगली सुबह चैंग हॉन्ग सेक्ट के एक कमरे में जिन की आँख खुलती है तो जिन अपनी तलवार के पास जाके सोचने लगता है कि मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया और आते ही मैंने किसी को मार भी दिया। तभी जिन आसपास देखने लगता है ताकि उसे पता लग सके कि ये जगह कौन सी है। उसी वक्त उस कमरे में चैंग हॉन्ग सेक्ट के लीडर का बेटा आ जाता है तो जिन उस जगह के बारे में लीडर के बेटे से पूछता है, जिसपे वो लड़का बताता है कि ये सॉट डायनेस्टी के 13 स्टेट्स में से एक है। ये सुन के जिन चौंक जाता है। इसके बाद जिन इस बात का और पता लगाने के लिए उस लीडर के बेटे के साथ चैंग हॉन्ग सेक्ट की लाइब्रेरी में चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो पुराने समय में आ गया है और यहां के लोगों की हाईएस्ट पावर ही सुपर नेचुरल लेवल है, जिसकी वजह से जिन उस जगह के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। तभी जिन सोचता है कि मैं यहां से कैसे निकलूं। इधर वो लीडर का बेटा जिन को देखकर सोचने लगता है कि लाइब्रेरी की किताबों की नॉलेज जिन के लिए तो बहुत मामूली है क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा है। तभी वो लीडर का बेटा जिन से कहता है कि अगर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर लो तो मैं अपने फादर से कहके तुम्हें स्पेशल स्वॉर्ड टेक्निक सिखवा सकता हूँ। जिसपे जिन उस लड़के से पूछता है कि क्या यहाँ पे स्वॉर्ड टेक्निक्स के अलावा भी कोई टेक्निक्स है। जिसपे वो लड़का जिन से बोलता है कि स्वॉर्ड टेक्निक्स मामूली नहीं होती और हमारे सेक्ट की स्वॉर्ड टेक्निक्स 10 मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक्स में से एक है, जिसे पावरफुल लोग ही सीख सकते हैं। ये सुन के जिन अपने मन में सोचता है कि लगता है यहाँ पे बाकी टेक्निक्स को सीखने पर बैन है, जिसकी वजह से ये लोग बाकी टेक्निक्स के बारे में नहीं जानते। उसी वक्त लाइब्रेरी में चैंग हॉन्ग सेक्ट का एक सर्वेंट आके लीडर के बेटे से कहता है कि सेक्ट लीडर आपको और जिन को बुला रहे हैं। जिसपे लीडर का बेटा जिन को साथ चलने के लिए बोलता है ताकि वो चैंग हॉन्ग सेक्ट ज्वाइन कर ले। लेकिन जिन लीडर के बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन करने का प्रॉमिस नहीं कर सकता। इसके बाद वो दोनों सेक्ट लीडर के पास चले जाते हैं, जहां सेक्ट लीडर जिन को लीडर बनने को बोलते हैं। जिसपे एक एल्डर लीडर से कहता है कि आप एक आउटसाइडर को लीडर कैसे बना सकते हो, क्योंकि लीडर तो आपके बेटे को ही बनना चाहिए। तो वो लीडर कहता है कि कल रात वाले अटैक से मैं तुम लोगों को नहीं बचा पाया था, लेकिन जिन ने एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी हमें बचा लिया, इसलिए मैं अपने बेटे को छोड़ के जिन को सेक्ट का लीडर बनाना चाहता हूँ। और उस लीडर के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।